आज लोगों को जब चोरी इसलिए नहीं कर रहे, वो देख रहे हैं, सीसीटीवी लगा हुआ है, उन्हें परमेश्वर की परवाह नहीं है कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचेगा। व्यभिचार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि थप्पड़ भारी है कि इधर इधर मत देखो, चर्च में निकाल दिए जाओगे, थप्पड़ भारी है, इसलिए व्यभिचार नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि परमेश्वर हमें देख रहा है। यही फर्क है। ऐसे लोग थोड़े समय तक क्रिश्चियन होते हैं और बाद में फिर उसी जगह पे, उसी कीचड़ में, उसी गंध में, उसी जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन दाऊद को जब पाप हुआ, दाऊद ने कहा मैंने पाप किया, और बाइबल कहती है उसने भजन संहिता अगर अकविंजा पढ़े, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की है, माफी की, हलीम किया अपने आप को, तौबा की परमेश्वर के सामने, अपनी लाइफ को क्लीन किया, रीडेडिकेट किया, फिर से समर्पित किया परमेश्वर को, और बाइबल कहती वो बचाया गया। एक क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेयर लाइफ है। अगर आपकी प्रेयर लाइफ नहीं है, आप जितने मर्जी ऊंचे हों, जितने मर्जी मजबूत हों, वो मजबूती किसी काम की नहीं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, फिर से जोर से बोलो हालेलुया। मैं 73 भजन संहिता उसकी 12 आयत को पढ़ूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे। देखो ये दुष्ट लोग हैं जो सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। 19 आयत में लिखा, आहा वो क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वो मिट गए, वो घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागने हारा स्वपन को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। दाऊद की आदत थी अपने दिल की बातों को क्लियरली और बड़े साफ साफ शब्दों को परमेश्वर के साथ करने की। यहां पर दाऊद इस भजन में लिखता है कि जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो तुझको नहीं मानते, पर मैं क्या देखता हूं, बड़े आराम से वो रहते हैं, उनको कोई दुख नहीं है, उनको कोई बीमारी नहीं है, वो बड़े ब्याजों पर ऐसे काम करते हैं, गलत काम भी करते हैं और धन संपत्ति बटोरते रहते हैं और उनको कुछ नहीं होता। और जब मैं उनको देखता हूं मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों पवित्रताई में चल रहा हूं, मैंने अपने हाथों को निर्दोषता के जल से क्यों धोया, मैं ऐसा क्यों क्यों नहीं कर रहा जैसा वो लोग कर रहे, उनको कौन सा कुछ हो रहा है, उनको कौन सा प्रॉब्लम हो रही है। अब याद रखो, शैतान आपकी प्रार्थना के जीवन को खत्म करने के लिए आपको अविश्वास में लेके जाएगा। अविश्वास में जब आप जाएंगे, कैसे जाएंगे अविश्वास में, आप देखेंगे आप पवित्रताई में चल रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सामने पवित्रताई में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, वो आपसे ज्यादा ब्लेस हो रहे हैं। आपको लगता है मैं प्रार्थना में क्यों हूं, मैं पवित्रताई में क्यों हूं। हालेलुया, मैंने ऐसे सेवकों को देखा है बिना पवित्रताई के चलते, परमेश्वर से वरदान पा लिया, उसके बाद दे धीरे, और लोगों ने बोलना, मेरे अपने आसपास के लोगों ने बोलना कि हम पवित्रताई में चलने वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग जो पवित्रताई में नहीं, ये कैसे बढ़ सकते हैं। और एक दिन एक न्यूज आई कि सब कुछ उसका खत्म हो गया, फिनिश हो गया, और परमेश्वर ने पूरा नीचे गिरा दिया, फैमिली फिनिश हो गई। कहता जैसे जागने हारा उठता है और स्वपन को तुच्छ जानता है, कहता तू जब उठेगा तो उनको तुच्छ जानेगा, तूने उनको फिसलने वाले स्थान में रखा हुआ है, वो घबराते घबराते नष्ट हो गए। उसने कहा, दाऊद ने कहा, वो प्रार्थना में था इस बात को लेके कि प्रभु मेरा विश्वास मजबूत नहीं हो रहा, कि वो लोग पवित्रताई में नहीं, प्रार्थना में नहीं, लेकिन वो लोग बढ़ रहे हैं और ये बात मुझे परेशान कर रही है, मेरे विश्वास की जिंदगी को कमजोर कर रही है। और वो परमेश्वर के सामने उसकी प्रार्थना में रहता था और उसकी प्रेजेंस में रहता था, क्योंकि जब डाउट आए उसकी प्रेजेंस में जाओ, शक आए उसकी हुजूरी में जाओ, प्रार्थना में जाओ, जब आप कमजोर हैं, जब आप डर में हैं उसकी प्रार्थना में जाओ, मजबूत हैं तो भी प्रार्थना में जाओ।
और बाइबल कहती है दाऊद जब प्रार्थना में गया उसको हौसला मिलता था कि नहीं मैं अपनी पवित्रता को कंटिन्यू रखूंगा, मैं वैसा नहीं चलूंगा जैसे दूसरे लोग चलते हैं। और बाइबल कहती दाऊद कहता जब कुछ साल बीत गए मैंने क्या देखा कि वो एकदम से मिट गए, वो घबराते घबराते नष्ट हो गए, एकदम से उन गायब हो गए। फिर दाऊद को मालूम हुआ नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है, जो परमेश्वर का वचन कहता है वो सही है, और वो सदा के लिए दृढ़ और सिद्ध किया हुआ। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? वो आपका दोस्त हो सकता है, वो मेरी बहनें जो आई हैं उनकी सहेलियां हो सकती, जो उस तरह का जीवन ना जीती हूं पर आपसे ज्यादा सुखी लग रही हूं आज, कल नहीं। दाऊद कहता जैसे स्वप्न को हम तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर उनको तुच्छ समझेगा कि वो भी एक स्वप्न ही था कि वो कुछ देर के लिए बढ़ा और खत्म हो गया। कहता जब तक 17 आयत में लिखा, जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के रिजल्ट के बारे में ना सोचा कि तूने उन्हें फिसलने वाले स्थान में रखा। कहता मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में यानी उसकी प्रेजेंस में, मैं उसकी प्रार्थना में, उसकी हजूरी में गया और फिर मैंने परिणाम को सोचा। जब शैतान आपके मन में शक डाल रहे, जब शैतान आपसे लड़ रहे, जब शैतान आपसे फाइट कर रहे, बाइबल कहती है जब उसने हवा के साथ फाइट की तो वचन के साथ फाइट की। उसने कहा नहीं तू इस फल को खाएगी, उसने कहा मैं नहीं खाऊंगी, उसने कहा तू खाएगी, अगर तू खाएगी तो परमेश्वर के जैसी हो जाएगी, खुदा नहीं चाहता तू उसके जैसी हो जाए, जबकि परमेश्वर ने उसको पहले ही अपने जैसा बनाया था। जब भी शैतान आपके साथ लड़ता है वो वचन से लड़ते हैं कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ये व्यभिचार की, वो थोड़ी बहुत चोरी कमीशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी तेरा बिजनेस है, नहीं नहीं थोड़ा बहुत ये कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं। आज भी शैतान वचन को ट्विस्ट करता है ताकि किसी तरह से आपको आपकी पोजीशन से हटाकर दूर कर दे, और उसके बाद आपकी प्रार्थना की कोई व्यर्थ, कोई काम की नहीं, वो व्यर्थ है, आपका बोया व्यर्थ है, आपकी आपकी बाइबल रीडिंग व्यर्थ है। आप नाम के क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप बिशप के बेटे हो सकते हैं, प्रेरित के बेटे हो सकते हैं, लेकिन आपका कोई काम नहीं आपकी जिंदगी में, आप फेल हो चुके हैं, आप प्रभु से दूर हो चुके हैं। उसने कहा जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उनके परिणाम को नहीं सोचा, अभी तो सिर्फ सोचा है उसने। और बाइबल कहती है आने वाले दिनों में ऐसा ही हुआ, जिनके बारे में वो डाह कर रहा था कि मैंने अपना हाथ निर्दोषता के जल में ऐसे ही धो लिया, ये दो लोग तो ऐसे ही बढ़ रहे हैं। कहता जब मैंने उन्हें देखा उनके स्थान पर वो नहीं थे, वो उजड़ चुके थे, वो घबराते घबराते नष्ट हो चुके थे। कई बार आप टीवी पे देखते हैं वाह 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 मैं भी ऐसा क्यों ना होता, मेरे भी इतने मिलियन फॉलोअर्स होते, मेरी भी बॉडी होती, मैं भी फलाने शो में जाता, और जब मालूम होता है कि एक ही झटके में डेथ हो गई, फिर बोलते नहीं 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 अब ठीक हूं मैं, जहां हूं वहीं ठीक, यही ठीक हूं मैं, हालेलुया। ने अपना हाथ निर्दोषता के जल में ऐसे ही धो लिया, ये दो लोग तो ऐसे ही बढ़ रहे हैं। कहता जब मैंने उन्हें देखा उनके स्थान पर वो नहीं थे, वो उजड़ चुके थे, वो घबराते घबराते नष्ट हो चुके थे। कई बार आप टीवी पे देखते हैं वाह 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 मैं भी ऐसा क्यों ना होता, मेरे भी इतने मिलियन फॉलोअर्स होते, मेरी भी बॉडी होती, मैं भी फलाने शो में जाता, और जब मालूम होता है कि एक ही झटके में डेथ हो गई, फिर बोलते नहीं 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 अब ठीक हूं मैं, जहां हूं वहीं ठीक, यही ठीक हूं मैं, हालेलुया।